नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो गुरुजी। आज इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मम्मी की, यानी कि माँ, मम्मा, माताजी, आपकी माँ। अब माँ और बच्चों का क्या रिश्ता है, उसको परिभाषित करने के लिए कोई भी शब्द या मिसालें या उदाहरण कम पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ के जो विचार हैं वो आपको प्रभावित करते हैं, उनका स्वभाव आपको प्रभावित करता है, उनके ग्रह भी आपको प्रभावित करते हैं। कैसे, आज हम इसी से गुरुजी पर चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे परवरिश टिप की, दिन का शुभ अशुभ समय, जन्मदिन होगा, आज का राशिफल और अंत में होगा वो विचार जो हम सबका दिन बना देगा। तो चलिए करते हैं फटाफट इस दिलचस्प एपिसोड की शुरुआत। राम राम गुरुजी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा राजपाल सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। तो गुरुजी, माँ से जुड़े हुए जितनी भी सारी बातें हैं वो कैसे प्रभावित करती हैं हमारे जीवन को? देखिए, माँ और बच्चे का जो रिश्ता है उस रिश्ते को देख समझ कर हम ये पता लगा सकते हैं, यकीन करें ना करें, कि बच्चे का भाग्य कैसा होगा। तो वाकई में कितना अनोखा है ये कनेक्शन, नेचर ने बनाया है। लेकिन आप सोच के देखिए कि आपकी माँ के माध्यम से आपका भविष्य भी पता लग सकता है, ये दावा करता है ज्योतिष। कैसे, ये सब हम गुरुजी से जानेंगे। लेकिन एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि गुरुजी ऐसा कैसे संभव है? जन्म के समय माता का अपनी होने वाली संतान से एक रिश्ता जुड़ने लगता है, गर्भ के अंदर ही ये रिश्ता जुड़ने लगता है, और ये रिश्ता जितना मजबूत होता चला जाता है उतना ही बच्चे की किस्मत बेहतर होती चली जाती है। बच्चे का चंद्रमा अच्छे परिणाम देने लगता है, बच्चे का बृहस्पति भी बेहतर परिणाम देता है। यद्यपि बृहस्पति का सीधा संबंध गुरु कृपा से है, लेकिन फिर भी बृहस्पति भी बेहतर परिणाम देने शुरू कर देता है। तो माता को हमेशा ये चाहिए कि वह अपने बच्चे से बहुत करीब का संबंध रखे, मित्रवत संबंध रखे। यूँ तो हर माता अपने बच्चे के लिए ही जिंदा रहती है, इतना प्यार है, और ख़ासतौर से हमारी संस्कृति में, हमारी ज़मीन पर तो माता बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन फिर भी बच्चे का हृदय जीतना बहुत ज़रूरी है। एक और ख़ास चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि बच्चे माता के जितना करीब रहते हैं उनकी किस्मत उतनी ही बेहतर परिणाम देती है। जी हाँ, सारे बच्चे ध्यान से सुने, वो बच्चे जो माता से दूर रहते हैं, माता से, माता की अवमानना करते हैं, आप मानसिक रूप से दूर ना रहें, शारीरिक रूप से दूर हो भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मानसिक रूप से दूर ना रहें, लेकिन अवमानना जो बच्चे माता की करते रहते हैं, जो माता को दुख देते हैं, उनकी कुंडली में यदि भाग्य पक्ष मजबूत भी होगा तो भी वह उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। वहीं जो बच्चा माता की जितनी सेवा करता है, हृदय से जितना उनके प्रति समर्पित रहता है, उसकी कुंडली में यदि भाग्य पक्ष कमज़ोर भी है तो भी वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, जीवन के सबसे अनोखे और सबसे प्यारे रिश्ते के बारे में ऐसी ही ढेर सारी बातें जो आपको आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं से अवगत कराएंगी। हम गुरुजी से पूछते रहेंगे, लेकिन पहले राशिफल जान लेते हैं। गुरुजी, पहली चार राशियों का दिन कैसा होगा? यानी मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, क्रोध से आपको बचकर चलना होगा। वैसे कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए ज्यादा चिंता ना करें, आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। सावधानी, इस दिन अचानक यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा में अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कीमती सामान का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन चावल का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। और हाँ, काले कपड़े ना पहने। वृषभ राशि, समय आपके लिए धन की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर है, धन खर्च हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे और आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। बस एक छोटी सी सावधानी, इस दिन जो बोले बहुत संभल के बोले और अपने दान करने का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान अवश्य करें। मिथुन राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, जल्दबाजी में गलत डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा, आपका क्रोध आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, और साथ ही साथ किसी के भुलावे में मत आइएगा। एक सावधानी बहुत ज़रूरी है, इस दिन हो सकता है कोई आपको
इमोशनली ब्लैकमेल करे और आपसे धन मांगने की कोशिश करे, उसके ब्लैकमेलिंग में आप फंसिएगा नहीं तो ये धन वेस्ट हो जाएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए सफ़ेद पुष्प माँ अम्बे के चरणों में भेंट कीजिए और थोड़ी देर ध्यान करके फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, सेहत की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है, चिंता लगी रहेगी, धन की कमी भी अकड़ सकती है, लेकिन फिर भी आपके काम रुकते नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ अच्छे लोगों से आपकी भेंट वार्ता हो सकती है। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन बहुत जल्दबाजी में किसी को धन उधार मत दीजिएगा, कीमती चीज मत दीजिएगा और किसी को अपने राज मत बताइएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर करने के लिए हाथ में दाहिनी कलाई में पीले रंग का धागा बांधें या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर काम पर जुटें। ध्यान से सुनते जाइए, अपनी सावधानियां और उपाय नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि दिन को बनाना है हमें बहुत अच्छा। और अब परवरिश टिप की बारी, गुरु जी आज की परवरिश टिप क्या है? छोटी सी है, बहुत महत्वपूर्ण है। गिलोय और तुलसा, ये दोनों इस वक्त में बच्चों को जरूर देना चाहिए, चाहे एक चम्मच ही दें, इससे बच्चों के शरीर में इन्फेक्शन नहीं बैठता, क्योंकि अभी जो समय शुरू होगा, जैसे ये मंगल का परिवर्तन होगा कन्या राशि में, एकदम से आप देखिएगा मच्छरों के या कीड़ों के काटने से रोग फैलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप नियमित रूप से बच्चे को एक चम्मच गिलोय और तुलसा अर्क देते हैं तो बच्चा किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से परेशान नहीं होगा, हर्ष पुष्ट बना रहेगा। और दोनों ही चीजें बहुत आसानी से आपको घर के पास मिल जाती हैं, और अगर घर में लगाना चाहें तो भी बहुत जल्दी और तेजी से उगाती हैं, तो जरूर ध्यान रखिए इस बात का। और अब उन लोगों की बात जिनका है आज जन्मदिन, गुरुजी आपके अंदाज में हैप्पी बर्थडे कह दीजिए। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, बस दो बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है रिश्तों का, रिश्तों में वाद विवाद उत्पन्न मत होने दीजिएगा, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। और दूसरा, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, खासतौर से वो लोग जो शरीर में कमजोरी का अनुभव करते हैं। बाकी समय अच्छा है, आगे बढ़ने के रास्ते खुले मिलेंगे आपको, आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, लोगों की मदद भी मिलेगी और परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। स्थान का परिवर्तन हो सकता है, शिक्षा में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, ये सकारात्मक भी रहेगा। बस दो उपाय करते रहेंगे, पहला उपाय तो यह गौ माता की सेवा करते रहिएगा और शुक्रवार के दिन दही का दान जरूर कर दिया कीजिएगा। और एक छोटा सा मंत्र, ओम नारायण नमो नमः, रोजाना सुबह इस मंत्र का जप अवश्य कर लीजिएगा। बस ऑल द बेस्ट। तो साल का हाल गुरुजी ने आपको बता दिया, लेकिन आपको क्या नहीं भूलना है, वो उपाय जो गुरुजी ने आपके लिए खास तौर पर बताया है। आज हम बात कर रहे हैं माँ और उनसे आपके रिश्ते की। गुरुजी, बच्चों की किस्मत अच्छी हो, पहले जैसा आपने बताया कि क्या किया जा सकता है जिससे वो प्रभाव माता के माध्यम से बच्चों पर पड़े और उनकी किस्मत अच्छी हो, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, माता को कुछ एक चीजें बच्चों के साथ और बच्चों को कुछ एक चीजें माता के साथ अवश्य करनी चाहिए। जैसे दूध या दूध से बनी हुई चीजें माता को देने से बच्चों की किस्मत बेहतर होती है, माता और बच्चों का संबंध बेहतर होता है, माता और बच्चों के बीच में मनमुटाव कम होता है। यदि माता बच्चे के जन्मदिन पर चांदी का सिक्का और चावल, थोड़ी सी हल्दी, यह एक डिब्बी में बंद करके भेंट देती हैं तो उससे बच्चों की किस्मत बेहतर होती है और माता और बच्चों का संबंध बेहतर होता है। एक और चीज़ है, यदि बच्चे माता को समय समय पर वस्त्र देते रहें, जो कलर माता को पसंद हो उस अनुसार वस्त्र देते रहें, तो उससे माता और बच्चे के बीच के संबंध बेहतर होते हैं, बच्चे और माता दोनों की किस्मत में बड़े सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। माता और बच्चे सोमवार के दिन यदा कदा जाकर खीर बांट के आएंगे तो दोनों की किस्मत बेहतर होगी, दोनों के आपस में संबंध बेहतर होंगे और इस कार्य से घर में भी सुख शांति आएगी। पूर्णमासी के दिन खीर बना के पूर्णमासी के अगले दिन सुबह वह खीर 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को बांटने से
बच्चे के रुके हुए कार्य बहुत तेजी से पूर्ण होना शुरू होते हैं, उनमें सकारात्मक परिवर्तन होने लगता है। लेकिन बच्चों को मेहनत बहुत करनी होगी, तब जाके उनके रास्ते खुलेंगे। लेकिन भाग्य प्रबल होगा, इसलिए रास्ते खुलेंगे अवश्य। और दो तीन उपाय मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये बातें शुरुआत से ही ध्यान में रखने वाली हैं, मतलब जब आप ये फैसला करें कि अब आपको माँ बनना है या आपको पेरेंटहुड में जाना है, तो देख लीजिए पहले से ही कैसी तैयारियां आपको रखनी चाहिए। और अब दिन का शुभ अशुभ समय जान लेते हैं गुरुजी, वो क्या रहेगा? पहले अशुभ समय बताता हूँ, फिर शुभ समय बताऊंगा। पहला दो मुहूर्त होगा 10:12 सुबह से लेकर 11 तक, उसके बाद दोपहर में 2:58 से 3:46 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 9:13 से 10:42 तक। यमगण काल रहेगा सुबह 6:14 से 7:43 तक। और राहु काल रहेगा 1:41 दोपहर से लेकर 3:10 तक। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:48 से 12:35 तक दोपहर में, और इस दिन में आपको अमृत काल नहीं मिलेगा। तो दिन का कोई भी आपका बड़ा काम है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आपको करने जाना है, कोई नया या बड़ा काम यदि आप करने की सोच रहे हैं, तो शुभ समय को आप जरूर ध्यान रखें। और हम जानते हैं राशिफल का भी है आपको बेसब्री से इंतजार, गुरुजी बीच की चार राशियों का दिन कैसा होगा? हाँ, सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि का हाल सुने। सिंह राशि, धन के मामले में यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। मित्रों से अनबन को रोकने की कोशिश करनी होगी, भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी कुल मिला के चिंता की कोई बात नहीं है, भाग्य पक्ष ठीक है। इस दिन आप परेशानियों से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी एक सावधानी जरूर बरतनी है, आग से थोड़ा सा दूर रहें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? दूध या दूध से बनी चीजें। बाकी कन्या राशि, दिन तो बुरा नहीं है, लेकिन आप स्वयं को इतना उलझा लेंगे कि सही दिशा में कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए और बहुत फोकस तरीके से काम करना चाहिए। सावधानी, जो लोग सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों में हो, बहुत सोच समझ कर अपना कार्य करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है, उपहास उड़ सकता है। उपाय क्या करना है इस दिन? आप ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें। तुला राशि, समय तो आपके लिए अनुकूल है, लेकिन इस समय का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कीजिएगा और आलस्य को तच दीजिएगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन भाई बहनों का विशेष रूप से ख्याल रखें और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करें। उपाय क्या करना है? थोड़ी सी मिश्री लीजिएगा और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, तो जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, अतः बहुत सावधानी से इस दिन को गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इधर उधर का सामान मत खाइएगा और वाहन भी ध्यान से चलाइएगा। लेकिन एक विशेष सावधानी मैं बता रहा हूँ, इस दिन जो बात आप कर नहीं सकते उसे कहिएगा नहीं, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि होगी। बाकी भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए चिंता ना करें। उपाय क्या करेंगे? हल्दी का तिलक लगाइए, अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। तो उपाय नोट करते जाइए और सावधानी बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण उपाय हैं उतना ही ये भी करना है कि क्या नहीं करना आज के दिन जी। और अब हमारा सबसे दिलचस्प विषय गुरुजी, और क्या किया जा सकता है, मतलब माओं द्वारा, ताकि उनके बच्चों को किस्मत से जुड़ा हुआ फायदा हो, लाभ हो, उनका जीवन अच्छा हो। हाँ, माँ बच्चों को दो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ, वो जरूर करनी चाहिए और उससे जिंदगी जो है बच्चों की बहुत अच्छी हो जाएगी। जिन बच्चों की किस्मत कमज़ोर है, ऐसे बच्चों को रात में दूध नहीं पीना चाहिए, और अपने माता को अपनी बाई ओर बिठाकर अगर वह अपना मुख्य कार्य करते हैं या अध्ययन आदि करते हैं, तो उससे बहुत तेज़ी से उनको लाभ होगा। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और उस ऑफिस में काम बिगड़ रहे हैं, तो माँ से कहिए थोड़ी बहुत देर वो आपके बाएं हाथ पर बैठ जाए आकर, और फिर आप अपना कार्य करते रहिएगा। 5-7 मिनट बाद उठ के आपको आशीर्वाद देके चले जाएं, आपका देखिएगा काम जो बिगड़ रहा है वह ठीक होने लगेगा। समय लगेगा, एकदम ठीक नहीं होगा, सुबह सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक और उपाय लिखिए, यदि किसी बच्चे की माँ लगातार बीमार रहती हैं, लगातार परेशानी में वो रहती हैं, तो ऐसे बच्चे को दुधारू पशु घर में नहीं पालना चाहिए।
लेकिन कुत्तों की नियमित रूप से सेवा करने से स्थितियां बेहतर होती हैं। जो बच्चे माँ को यदा कदा चांदी से बनी हुई चीज़ों का उपहार देते हैं उनकी किस्मत बेहतर होने लगती है, उनको अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा, माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ें या माँ के हाथ से गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें छुआ कर यदि आप ज़रूरतमंद लोगों में बांटते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। कभी कभी माता और संतान मिलकर सोमवार अथवा बृहस्पतिवार के दिन सफ़ेद कपड़ा लोगों में बांटें तो इससे माता की सेहत, बच्चों से और माता के प्रति प्रेम और साथ साथ बच्चों की किस्मत ये बेहतर हो जाती है। और देखिए कितनी आसान सी और व्यवहारिक बातें भी हैं जो गुरुजी ने आपको बताई हैं। लेकिन गुरुजी कभी आगे के एपिसोड में मैं जरूर ये जानना चाहूंगी, अब देखिए माएं तो त्याग करती ही हैं, बच्चों के लिए कितना कुछ करती हैं, कुछ बच्चे भी करें अपने पेरेंट्स के लिए ताकि वो भी स्वस्थ रहें। आगे कभी एपिसोड में इस विषय को हम जरूर छेड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो अंतिम चार राशियां हैं उनका राशिफल जान लेते हैं, यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन बहुत सोच विचार के ही निर्णय लेना होगा इस दिन, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। एक सावधानी, इस दिन अपने वाहन का विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? ओम नारायण नमो नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे। मकर राशि, इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, अचानक कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन अपने कुनबे के लोगों से बहुत सोच समझ कर कोई बात कहिएगा, नहीं तो मन मुटाव हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए। कुंभ राशि, ये वक्त आपके लिए कुछ नया कार्य करने के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए नया कार्य करना इस दिन अवॉइड करें। यदि कोई कार्य करना भी पड़ गया तो अपने घर के लोगों की सलाह से और मदद से ही वह कार्य कीजिएगा, नहीं तो उसमें परेशानियां आ जाएंगी। एक सावधानी इस दिन बरतनी बहुत ज़रूरी है, इस दिन अपनी कीमती चीज़ें आप बहुत संभाल के रखिएगा और साथ ही साथ इस दिन भोजन का बहुत ख्याल रखिएगा, खुले में भोजन बिल्कुल मत छोड़िएगा, नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए लोगों को जल पिलाएं। मीन राशि, रिश्ते नाते इस दिन बहुत संभाल के जोड़ने वाला दिन है, जो रिश्ते नाते बने हुए हैं उनको बहुत संभाल के चलाने वाला दिन है, निज संबंधों का, पार्टनर्स का बहुत विशेष ख्याल रखना होगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए आप पके हुए भोजन का दान अवश्य करें। तो बिल्कुल राशिफल आपने जान लिया और साथ ही ये भी कि आपके बच्चों की किस्मत आपसे कैसे जुड़ी है और कैसे अच्छी होगी। और अब बारी है उस विचार की जो हमारे दिन को और अच्छा बना देता है। गुरुजी आज का विचार क्या है सुनिए। ब्रूस, सब लोग जानते हैं ना, महान मुक्केबाज, वो क्या कहते हैं, मैं हालातों का इंतजार नहीं करता, मैं अपने लिए अवसरों का निर्माण खुद करता हूं। मतलब जीवन का भी अहम पंच ब्रूस ली सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। माध्यम है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका दिन शुभ हो। और देखो बच्चों, अपनी माँ के साथ संबंध हमेशा बहुत मधुर रखना और हमेशा जो आपसे बन पड़े उनकी खिदमत करना, उनकी सेवा करना, बाकी प्रभु आपकी तरक्की के रास्ते वैसे ही खोलते चले जाएंगे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, एक नए विषय के साथ कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। नमस्कार।